हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास गिल और आप देख रहे हैं अब्बास फूड फैक्ट्री। आज जो रेसिपी जनाब अपने बहन भाइयों के लिए लेके आए हैं वो है रशियन सैलड। बड़ी आसान, बहुत सिंपल। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है उन बहन भाइयों के लिए कि चैनल को जनाब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नए मेरे दोस्त, ताकि मेरी तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रशियन सैलड बनाने के लिए कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स में लिए हैं एक कटोरी गाजर, एक कटोरी मटर और एक कटोरी आलू। तो मैं दिखाऊं जी आपको, मैंने जिस तरीके से इनके क्यूब्स काटे हैं ये देखें, इस तरीके से मैंने गाजर काटी है और इसी तरीके से मैंने इसी शेप में मैंने आलू काटे हैं। तो सबसे पहले रेडी करते हैं अपनी वेजिटेबल्स को, ये थोड़ा टाइम लेंगी। इनको हमने बॉईल करना है, तो चूल्हे पे मैंने पानी रख लिया हुआ है, तो हमने इनको स्टीम में पकाना है। लेकिन सिंपल मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है जो बॉयल हो रहा है, देखिए इसमें स्टीम बन रही है। और आप ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर जिससे हम लोग आटा छानते हैं घर में, हमारी माएँ बहनें सेम वही है। ये देखिए ऊपर से स्टीम आ रही है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जनाब आलू एक साइड पर रख दूंगा इस तरीके से, लें जी। और उसके बाद जनाब रखूंगा मैं गाजर एक साइड पे और ले जनाब। और ये देखें स्टीम निकल रही है। और इस साइड में डालूंगा मैं मटर, ले जी। और अब क्या करेंगे, इसको हम ढाप देंगे। वाह जी, ये देखें कि इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है और ये सैलेड भी उतना मजेदार बनेगा। हम रेडी कर रहे हैं रशियन सैलेड और ये हम गलाएंगे स्टीम में। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के बाद चेक करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कितने गल चुके हैं और मैंने इसको और कितना टाइम देना है। ले जी, टोटल मैंने इसको 12 मिनट दिए। ले जनाब, इसकी देखें शक्ल ही नजर आ रही है कि गल चुकी हुई है। अभी मैं फिल्म को बंद करूंगा और आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ये देखें जनाब, ये आलू है और ये देखें जी अच्छे से गल चुका हुआ है। ये देखें जी, ये गाजर है और ये भी देखें अच्छे से गल चुकी हुई है, ये देखें। और उसके बाद मटर लेते हैं जी, ये देखें मटर भी ये देखें गल चुका हुआ है। और ले जी, अभी इसको उतारते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। और देखें जी पानी अभी तक कितना जबरदस्त बॉयल हो रहा है, तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं साइड पे। तो तब तक अपने फ्रूट्स रेडी करता हूँ मैं। ले जी, रशियन सैलड बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत है, मैं आप सबका इनसे तारफ करवाऊँ। सबसे पहले जनाब मेरे पास है एक कटोरी मकरूनीस, इसको मैंने बॉयल कर लिया। एक कटोरी आलू, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया। एक कटोरी मटर, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया। एक कटोरी गाजर, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया। और जनाब एक कटोरी केला, उसी साइज में काट लिया मैंने। एक कटोरी मेरे पास है जनाब अंगूर। एक कटोरी मेरे पास है जी अनार के दाने। एक कटोरी मेरे पास है जी सेब, बड़ा खूबसूरत सुरख सा। और आधी कटोरी मेरे पास जनाब अमरूद। और 2 टेबलस्पून मेरे पास शुगर पाउडर, इसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया हुआ है। और 1/2 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च और 1 टीस्पून है मेरे पास नमक। 200 ml मेरे पास है जी क्रीम और 200 ml मेरे पास है जी मायोनीज। और एक चीज देखें जी, खुदा की कुदरत चेक करें, हर चीज की अपनी अपनी खूबसूरती है। अनार की, ग्रेप्स की, मटर की, गाजर की, आलू की, क्या बात है जनाब, नजर आता है कि खुदा की कुदरत जमीन पे है। तो चलें जी शुरू करते हैं अपना रशियन सैलड। जी मैंने एक बाउल लिया है, सबसे पहले मैं डालूंगा मकरूनीस। ले जनाब रशियन सैलड तैयार हो रहा है जी। इसके बाद मैं डाल दूंगा जनाब एप्पल, उसके बाद जी अनार। कलर कॉम्बिनेशन देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैं डालूंगा जी अमरूद, उसके बाद मैं डालूंगा ग्रेप्स। वाह जी, देखें बहनों और भाइयों ग्रेप्स का क्या बात है जनाब, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। अभी ऐड करूंगा जनाब आलू,
मटर, वाह जी क्या कलर कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद जनाब गाजर ले जी, और एंड पे मैं डालूंगा जनाब केला क्योंकि नरम है। ले जी इन सब के बाद मैं डालूंगा शुगर पाउडर इस तरीके से, और उसके बाद मैं डालूंगा काली मिर्ची और नमक। और अब मैं डालूंगा जी क्रीम। चलिए जी वाह क्या बात है जनाब, जबरदस्त। ये जनाब ये है जी इस रेसिपी की जान। ले जी क्रीम भी हमारी, जनाब एंड पे मायोनीज। ले जनाब तमाम चीजें मैंने ऐड कर ली हैं, और अब जनाब इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। वाह जी वाह क्या बात है जनाब, जबरदस्त। देखिए चीज अच्छी बनी हो ना तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे जनाब खुशी आती है, आपकी जो जुबान है उस पे इजहार होता है कि वाकई में आप दिल से खुश हो रहे हैं। और वाकई जनाब मैं भी दिल से खुश हो रहा हूँ, मेरे भी जुबान पे मिठास है और खुशी है कि कितनी जबरदस्त चीज बन गई है, क्या बात है जनाब। ले जी इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, रशियन सैलड हमारा रेडी है। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि कुछ लोग जनाब लाइक करते हैं कि इसमें पाइनएप्पल जरूरी नहीं है, जो मार्केट में आपको फ्रूट मिले आप इसमें डाल सकते हैं, क्वांटिटी एग्जैक्ट ये नहीं, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो लें जी मैं अभी इसको डिश आउट करके दिखाता हूं आपको कितना जबरदस्त बना है, कितनी जबरदस्त लुक है। लें जनाब रशियन सैलड रेडी है, क्या बात है जी जबरदस्त। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। और जनाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरे बहनों और भाइयों ने जब ट्राई किया है तो उनके रशियन सैलड कलर कैसा बना है और इसका कैसा टेस्ट था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, खुदा हाफिज़।